हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज एनिग्मा और आप देख रहे हो आई एनिग्मा हिंदी चैनल. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए करूँगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप लोगों के लिए क्या है. आई नो कि आप चाहते हो कि मैं हिंदी में रीड्स करूँ. सो अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी रीड्स करूँ, प्लीज़ डू मोटिवेट मी एंड एनकरेज दिस चैनल ताकि और ऐसी रीडिंग्स मैं ला सकूँ आप लोगों के लिए आपकी पसंद की. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए व्हाट्सएप पे, शेयर करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंड कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लगी ये रीडिंग एंड लाइक भी करिएगा वीडियो को. ऑल्सो मेन चैनल है मेरा विच इज़ आई एनिग्मा, वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश रीडिंग्स देख सकते हो. एंड देन मेरे पास एक दूसरा चैनल भी है विच इज़ आई एनिग्मा स्कॉर्पियो. अगर आप स्कॉर्पियो हैं या फिर स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो या फिर आपके चार्ट्स में एस्ट्रोलॉजिकली स्कॉर्पियो कहीं पे लाई करता है तो आप ज़रूर देखिएगा उस चैनल को विच इज़ आई एनिग्मा स्कॉर्पियो, वहाँ पे भी सब्सक्राइब करिए. ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ बात्स जो हैं रेजोनेट करें ना करें, इसलिए आप पर्सनल्स के लिए जा सकते हैं जो कि 100% एक्यूरेट होंगे. एंड उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में ईमेल कर सकते हो. और आप वाइट स्पेल्स करवाना चाहते हो, प्रेयर्स करवाना चाहते हो, उसके लिए भी यू आर मोस्ट वेलकम. और अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हो जो कि मैं हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चार्ज करती हूँ बेस्ड ऑन योर इंटेंशन योर चॉइस, आप वो भी मुझसे खरीद सकते हैं. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. देखते हैं आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो फीलिंग्स क्या है उनकी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास है दिस कुड बी द वन. Okay, make the efforts and we have the past life connection and give your relationship a chance. Very clearly, I feel like ki aapke person ko aisa lagta hai ki aap aur ye person ek dusre ke liye bane hain. ठीक है, आप दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं. आपके साथ उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप एक सोलमेट हो, उनके आपके साथ एक होम वाला कनेक्शन फील करते हैं ये. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप में से कोई भी स्पेशली ये पर्सन बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. ठीक है, एफर्ट्स नहीं लगा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे और सोच रहे हो कि जो होगा भगवान पे है, वो अपने आप करके देंगे. सो यहाँ पे हो सकता है कि एक पर्सन के एफर्ट्स जो हैं वो कम हैं एंड आई फील कि वो पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनके एफर्ट्स आपकी तरफ कम हैं. इस कनेक्शन को जब तक आप रिलेशनशिप में एक चांस नहीं दोगे तब तक आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, आपके पर्सन रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि आप और ये कितना अच्छा रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. सो अगर ये पर्सन अपने, हो सकता है कि आपके पर्सन को पास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा डीप हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से उनको एक ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं या फिर वो किसी और को उतना पसंद नहीं कर पाते और उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, उतना अटैच नहीं हो पाते. सो आई फील लाइक ये कुछ है जिसकी वजह से इनको ना ये क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, गार्डेड हो गए हैं और इनको लगता है कि अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो इनके साथ वही सेम चीज़ रिपीट होगी. सो इसलिए अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना चाहते, अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते, ऐसा इनका मानना है. ठीक है, लेकिन आपके साथ इनको लगता है कि एक कनेक्शन है और ये फ्रीक आउट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि कनेक्शन उनके साथ भी था और उसी तरीके से आपके साथ भी है और इसी वजह से हो सकता है कि ये कनेक्शन आगे जाके आपकी साइड से टूट जाए. ठीक है, लेकिन ये डेफिनेटली अपने मन में सोचते हैं कि इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहिए लेकिन एफर्ट्स नहीं लगा रहे. ठीक है, सो द एफर्ट्स आर मिसिंग. ऑल्दो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, आप उनके सोलमेट की तरह हो, बट एक फियर सा है उनको जिसकी वजह से ये इसमें आना नहीं चाह रहे, किसी भी तरह के रिलेशनशिप या कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहे. क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इमिजिएटली आप पे एक तरह से ओपन हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगेंगे और ट्रस्ट करने लगेंगे और फिर वही साइकिल ना रिपीट हो जाए. सो ये चीज़ है. करंटली आपके पर्सन जो हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनका अट्रैक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. वो मन ही मन में ये चाह रहे हैं कि आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो काश होपफुली
अच्छा हो जाए, अपने आप अच्छा हो जाए, किसी तरीके से अच्छा हो जाए, आप रीच आउट कर लो, या फिर कुछ ऐसा हो कि आप दोनों वापस से मिल जाओ और एक स्ट्रांग कनेक्शन बन जाए, कुछ इस तरह का ये सोच रहे हैं कि वो चाह नहीं रहे कि इस टाइप की डिटैचमेंट होनी चाहिए. वो चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह एफर्ट्स लगाए. देर इज़ अ हेल लॉट ऑफ अट्रैक्शन, उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट मैसेजेस डज योर पर्सन वॉन्ट टू गिव यू. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है. ठीक है, करंटली कोई बात नहीं हो रही है. तो अगर आप लोग को ये लगता है कि यार ये पर्सन अब नहीं आएंगे या कुछ ऐसा है, मे बी यू आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्ट्रांग एविडेंस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं. कॉल मैसेज का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मुझे कॉल लग रहा है ज़्यादातर कि एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको आ सकती है जिसमें आपके पर्सन आपको अपनी यू नो फीलिंग्स बताना चाहेंगे. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फियरफुल है. ठीक है, एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा गार्डेड है. एक ये है कि उनको पता नहीं उनको क्या करना चाहिए आपको पाने के लिए, या फिर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उनको ये समझ नहीं आ रहा. आपकी तरफ से क्या है क्या नहीं है ये भी उनको क्लियर नहीं है. इस वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है. उनको समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे अप्रोच करूं, कैसे कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं. बहुत डर है अंदर ही अंदर ना, एक घबराहट हो रही है इनको. सो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, इसलिए उनको लगता है कि यार गलत हो जाएगा. या फिर बहुत इनसिक्योरिटी सी है और हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं. इनको खुद भी नहीं पता कि उनका क्या एक्शन, मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए. लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, बात करने का डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है. इनका मन करे तो अभी के अभी आपको कॉल या मैसेज करते हैं. अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इन पे यूज़ करते हो तो देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको करेंगे ही करेंगे कॉल. ठीक है, तो जो गार्डेड फीलिंग है वो नहीं रहेगी. ठीक है, जो गार्ड इन्होंने अपने आसपास वॉल्स खड़े करके रखे वो हटा लेंगे. ठीक है, आपसे बात करने के लिए. सो यस, यहाँ पे देर इज अ हेल लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड आई फील लाइक दे वॉन्ट टू कॉल यू, दे वॉन्ट टू मैसेज यू, दे वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट देर स्केर्ड. ओके, फियर हो सकता है, इनके फादर का फियर हो सकता है. हो सकता है कि या तो आपके फादर ने इनको पकड़ा और आपके फादर के का फियर है, किसी टाइप का कोई फैमिली रिलेशनशिप है तो उनको लगता है कि ये गलत हो जाएगा. या तो ये चीज़ है या फिर ये चीज़ है कि इनके जो फादर है वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस पर्सन से बात करो, इनको पसंद करो, ये वो. लाइक उनके फादर की कोई चॉइस है जिसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं. उनके फादर उनको एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. हो सकता है कि आपके उनके फादर या फिर किसी आप में से किसी एक के फादर ये कनेक्शन के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस रिलीजन का, बैकग्राउंड का या स्टेटस का, किसी टाइप का डिफरेंस है, जिसकी वजह से स्पेशली ये पर्सन के जो फादर है वो बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, तो जो ये कनेक्शन थोड़ा बहुत भी अगर आगे बढ़ने लगता है तो अपने फादर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से ये बैक ऑफ कर लेते हैं. हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि कंजर्वेटिव हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और अपने फैमिली के अगेंस्ट किसी भी हाल में नहीं जा सकते, जबकि उनका मन बहुत है कि ये पर्सन आपको चूज करे. ठीक है, उनके सामने ना ऐसे ऐसे ऑप्शंस रखती हैं, जैसे ये पिक्चर्स हैं आप इनमें से सिलेक्ट कर लो, ये वो. तो एक तरह से अग्रेसिवली उनके फादर उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से दे कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑफ देयर ओन. ठीक है, सो ये मैसेजेस है. आपके पर्सन हो सकते हैं फायर या वाटर साइन. ये दो साइंस बहुत स्ट्रांग है उनके चार्ट में. पैशन है, फीलिंग्स हैं, बट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है. ओके, आई फील लाइक कि आपने इनिशियली कुछ कहा था इनको पास्ट में, जिसकी वजह से इनको लगा कि जो थोड़ी बहुत होप है वो भी ख़त्म हो गई. मुझे लगता है कि आपने मिसअंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो है, झिझक रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने में, इतना ज़्यादा आप इम्पेशेंट हो गए कि यार ये पर्सन कर क्या रहे हैं. तो आपने गुस्से में इनको कुछ कह दिया ऐसा, जिससे ना वो हो सकता है कि सेंसिटिव है और इस वजह से उन्होंने
इनको ये लगा कि नहीं, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, मुझे लगता है कि ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करते, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड है, स्टबर्न है, या मुझे अपने तरीके से नहीं जीने देंगे. और उस वजह से मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये लगा कि आप ज़्यादा देर नहीं टिकोगे, या फिर आप एक टाइम तक उनको छोड़ दोगे, जैसे कि पास्ट में हुआ था उनके साथ, तो वैसा ना हो जाए. तो उनको एक तरह से ट्रस्ट जो है वो शेक कर गया. ठीक है, शायद आपने कुछ ऐसा कहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको होप है. एक पीरियड, एक गैप के बाद इनको फिर से होप होने लगी है. हो सकता है कि आपने जब इनको कुछ कहा उसके बाद आपने कोशिश ज़्यादा अच्छे से नहीं की, या फिर आपने अपोलोजाइज नहीं किया, या फिर आपने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कुछ खास नहीं की, उसकी वजह से भी उनको ये लगता है कि शायद ये बैक ऑफ कर जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, सो ऑल इन ऑल आई स्टिल फील कि स्पेशली एट नाइट व्हेन दे आर अबाउट टू स्लीप, इनके माइंड में आपके बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, हो सकता है ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई फील. ओके, द बेस्ट पार्ट इज आई ऑल्सो फील लाइक देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अट्रैक्शन. को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बात करने का मन है, लेकिन आपसे डरता है. मुझे लगता है कि हो सकता है आपने कुछ ऐसा एक साइड दिखाया जो उनको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा मैं इनके लेवल की नहीं हूँ, या लेवल का नहीं हूँ. इनको ऐसा अपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगा है. तो पैशन तो है, उनका मन करता है कि वो आपको लिखे या कॉल करे, बट कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को. ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. उनकी जो अंदर की इंट्यूशन है वो उनको बार बार कह रही है कि रीच आउट, रीच आउट, रीच आउट, बट दे ट्राइंग टू कंट्रोल. ओके, दैट्स व्हाट आई फील. अब स्टेज ऐसी आ गई है कि ये पर्सन दो माइंड में है, दो थॉट्स में है. बात करूं ना करूं, बात करूं ना करूं, बात करूं ना करूं. ये पर्सन अभी भी स्टक है आप पे. ठीक है, उनको लगता है कि अगर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, इन्होंने वो भी करके देख लिया है, मतलब कोशिश करके देखी, लेकिन उनको फिर भी आपकी याद आ रही है. तो घूम फिर के वो आपके पास ही, उनकी सुई अटक जाती है, वो आपके पास ही आने की कोशिश करते हैं. बट एट द सेम टाइम जब वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाती है. वो ये सोचते हैं कि यार क्या ये सही टाइम है और क्या ये नहीं सही टाइम है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फियर है. तो यस यस, फॉल्स पर्सन. ओके, एंड देन वी हैव द जुडिकेशन. कमिंग मोर मैसेजेस. ओ मच्योर वुमेन. एंड यहाँ पे बहुत लोगों की इंटरफेरेंस लग रही है मुझे. हो सकता है इनके फादर की, आपके बिहेवियर की वजह से, और एक और पर्सन है आपके और इनके बीच में. वो पर्सन एक ओल्ड लेडी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है, चुगली करता है. ठीक है, वो पर्सन ने इनको आपके बारे में एक गलत परसेप्शन, एक गलत इमेज बताई है. ठीक है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, और ज़्यादा उनको डाउट हो गया कि यार ये सही नहीं है, शायद अगर मैं इसमें चली गई या इसमें घुस गया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा. सो आई फील लाइक ये कोई है, आप दोनों को जानते हैं, ठीक है, जो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर ओल्डर हो सकते हैं काफ़ी. इन्होंने कुछ कहा है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो एकदम से फियरफुल हो गए हैं. दैट्स व्हाट आई फील. उन पे ट्रस्ट तो नहीं कर रहे, बट दे आर नॉट टेकिंग रिस्क. उनको लग रहा है कि रिस्क होगा. ठीक है, सो यहाँ हो सकता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी रिच है, बट किसी की नज़र उनके स्टेटस पे भी है, ऐसा भी लग रहा है मुझे. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स. आई फील लाइक कि सीक्रेटली कोई आप दोनों के कनेक्शन के बीच में ना कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली आ रहा है. आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, बट ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके और आपके बीच, आपके पर्सन के बीच में आ रहे हैं कंसिस्टेंटली. और सीक्रेटली सर्च करते हैं कि इनके बीच में बात तो नहीं हो रही, कि इनके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा. आई फील दैट समवन दैट्स इंटरफेयरिंग, दैट्स फॉर श्योर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये पर्सन आपकी पिक्चर्स रोज देखते हैं सोशल मीडिया में, या किसी तरीके से, या तो ओल्ड पिक्चर्स हैं इनके पास,
वो देख रहे हैं, कुछ भी रिकॉल करते हैं आपके बारे में, आपको देखते हैं, और जब आपको देखते हैं उनको ये लगता है यार आप तो आगे बढ़ गए हो सकता है आपने इस तरह की पिक्चर्स डाली, या फिर आपकी एनर्जी और ऑरा इस तरह की है कि उनको ये लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ गए हो, या फिर आप किसी के साथ कमिट हो गए हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है तो उनको ये लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में आजकल। सो शायद उनको शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है उस तरीके से, ऐसा भी उनको ये फील हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। सो जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको लगता है शायद आप बिजी हो, एंगेज्ड हो, या फिर किसी के साथ हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, तो आप शायद इनको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप कहोगे भाई तू कौन है। सो उनको ये फीलिंग हो रही है, उनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ सेट है, तो यू माइट नॉट वॉन्ट दिस पर्सन। सो ये डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उनके माइंड में चल रहा है, देखो। ठीक है, एंड आई फील लाइक ये उनके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट हो रहा है, और इसीलिए उनको लगता है कि यार लव इज़ नॉट माई थिंग। ओके, दैट्स वॉट दे सी। सो मे बी यू नीड टू रीच आउट टू दिस पर्सन। नाउ वॉट आई एम सीइंग इज इन्होंने एक तरह से अपने हार को एक्सेप्ट कर लिया, फिर एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अभी जो जैसे है उसको वैसे चलते रहने दो, इसमें इस कनेक्शन में कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज हो सकता है कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। आप लोग कैंसर हो सकते हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। ठीक है, इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल है और आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, हील कर रहे हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है अब, तो शायद उनको बैक ऑफ कर लेना चाहिए। अब हो सकता है कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपको बुलाने की, अपने आप को हील करने की, भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है विल दे बी मेकिंग अ मूव, विल दिस पर्सन बी मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स यू। Door to happiness, door to romance. Someone is 33, 34, 39. I feel like कि आपके person जो है ना उनको problem ये है कि वो जो मन में feel करते हैं वो express नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको throat chakra block हो सकता है। I feel like कि आप जो walk away किए उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ कहा नहीं, जबकि उनके मन में ये है कि वो सब कुछ बता दें आपको, door खोले और सब कुछ बता दें और आप दोनों के बीच में connection बन जाए। उनको ये लगता है कि ऐसा होगा भी, बट फिर भी इनको दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको लगता है कि वो ठीक से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएंगे। सो अगर आप मुझसे पूछो कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे कि नहीं, यस इट्स अ यस। ओके, एंड आई फील लाइक इसमें हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना एक ऐसा रिकन्सिलेशन हो, ऐसा रिकन्सिलेशन या ऐसा कनेक्शन बने जो कभी भी ख़त्म नहीं हो, जो इतना स्ट्रांग होगा कि जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। सो इस बार अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं फिर मुझे नहीं लगता कि किसी का भी इंटरफेरेंस इनको कोई भी किसी भी तरह का सेटबैक दे सकता है, क्योंकि ये उस टाइम पे आप और इनके बीच में इतनी सारी डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे, आप दोनों एक साथ मिलके काम करोगे कि देर विल बी अबंडेंस, देर विल बी सिनर्जी एंड देर विल बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ न्यूएस्ट रोमांस। बस एक एक्सप्रेस करने की देर है, तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, वहां पे प्रॉब्लम है। सो विल देयर बी अ रिकंसिलिएशन, विल देयर बी अ ओह माय गॉश, आई फील लाइक ये चांसेस पूरी तरह से इन पर्सन के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ना पास्ट में रहना पसंद है, इनको ट्रस्ट नहीं है कि कुछ हो सकता है, और हो सकता है काफ़ी लोगों की इंटरफेरेंस उनको बार 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 ब्लॉक कर रही है आपकी तरफ आने में। सो अगर हो सके तो आप कर सकते हो रीच आउट, बट आई फील लाइक कि अगर ये पर्सन सोचते भी हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फियर है, इनको पता भी है कि अगर एक बार रीच आउट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप दोनों आगे बढ़ जाओगे, बट इनको ये भी नहीं पता कि कैसे करेंगे ये। सो इंस्टेड ऑफ लाइक ट्राइंग दे आर जस्ट सिटिंग एंड रिग्रेटिंग एंड क्राइंग ओवर यू, सैड ओवर यू, बट यहाँ पे डेफिनेटली लोगों का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि नेगेटिवली कि वो नहीं होने दे रहे हैं आप दोनों के बीच में बात किसी तरीके से। सो एक बार अगर बात हो जाए तो आप दोनों का कनेक्शन लाइफ टाइम चलेगा, दैट्स व्हाट आई फील। ओके, सो अगर आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से।
क्लैरिटी के साथ रीबिल्ड, इस कनेक्शन में चांसेस पूरे हैं रीबिल्ड करने के, इस कनेक्शन में पूरे रीस्टार्ट करने के चांसेस 100% है. बट यहाँ पे एज आई टोल्ड यू थ्रोट चक्रा दिस इज ब्लॉक्ड, समवन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस. यहाँ पे क्लैरिटी भी नहीं है आपके पर्सन को कि एग्जैक्टली उनको कहना क्या है, एग्जैक्टली वो चाहते क्या हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं. हो सकता है कि इस कनेक्शन में जो फीमेल है, जो नर्चरिंग एनर्जी है, उसको पहले रीच आउट करना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा दूसरे पर्सन को कि यस यू कैन एक्सप्रेस, यस आई फील द सेम वे. आई फील कंफर्टेबल करना पड़ेगा आपको इन पर्सन को सबसे पहले, ठीक है. दैट्स व्हाट आई फील. फीमेल एनर्जी जो है यहाँ पे वो ज्यादा स्ट्रांग है एंड शी नीड्स टू रीच आउट. आई फील ओके शी विल बी रीचिंग आउट. एंड देन वी हैव यस. इस कनेक्शन में डेफिनेटली रिकवरी है बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हु इज गोना फर्स्ट रीच आउट. आई फील है कि अगर आपके पर्सन रीच आउट नहीं कर सकते तो आप कर सकते हो, ठीक है. बट आई फील लाइक इसमें रीच आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक पर्सन को. एक बार अगर कोई भी रीच आउट करता है तो सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी. इस कनेक्शन को नर्चर करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को वैल्यू देने की ज़रूरत है. जो भी फीमेल है यहाँ पे शी नीड्स टू एक्सप्रेस, एंड जो भी फीमेल है यहाँ पे उसको अपने आप को इन्हांस भी करना है, अपियरेंस वाइज, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इन्हांस करने की ज़रूरत है अगर आप इन पर्सन को चाहते हो. यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपके साथ इन द एंड ऑफ द डे आपकी और इनकी मैरिज हो जाए, आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप दोनों की मैरिज हो जाए, ठीक है. सो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है इसमें. साइंस हम फिर भी देख लेते हैं इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन फॉर एनीवन. ओके वी हैव एक्वेरियस, वी हैव सजिटेरियस. सो यहाँ पे डेफिनेटली आप और आपके पर्सन एक दूसरे से मैरिज कर सकते हैं. देर इज अ हाई पोटेंशियल हेयर एंड हो सकता है चीज़ें बदल जाए, अभी नहीं पर थोड़ा लेट. सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमारे पास कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी. सो सन मून राइजिंग वीनस ये वाले साइंस, ठीक है. बट साइन कोई भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एडिशनली एनी इंफॉर्मेशन इफ इट्स रिक्वायर्ड. चांस कर लेते हैं. यस सो एस द थिंग इज कि कोई है थर्ड पर्सन या एक से ज़्यादा जो कि इस कनेक्शन में क्या कहते हैं उसको फ्यूल इन द फायर वाला काम कर रहा है, ठीक है. आग में घी डालने वाला काम. आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं. आप शायद कुछ नया स्टार्ट करने वाले अपने करियर में, काफ़ी फायर रहेगा आपके अंदर अपने करियर में परसू करने में. हो सकता है कि आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस ये पर्सन देख रहे हैं. म्यूज, समवन इज अ म्यूज हियर. किसी को म्यूजिक का इंटरेस्ट हो सकता है, सिंगिंग का. ओके ये नेम लेटर्स हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के, ठीक है. आरती एंड रिया, नुसरत इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग, रश्मि. आई एम ऑल्सो सीइंग मार्स हियर. तो यहाँ पे जो मेल एनर्जी है वो थोड़ी वीक है, ठीक है. आप दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों रिकनसाइल करो डिस्पाइट ऑफ वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. समवन इज़ फ्रॉम यूएई वॉचिंग दिस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसी जगहों से, दुबई. आर्यन इज़ ऑल्सो अ नेम. आ
आई फील है कि अब आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है? रेंट इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग, रेंटेड हाउस, कोई यहाँ पे रह रहा है रेंट पे, आपके लिए वो मैसेज हो सकता है। सीर, समवन इज अ टैरो रीडर हियर, समवन इज अ साइकिक, इंटूटिव, इवन आई हैम, सो या किसी का नाम यहाँ पे मीरा है, रीमा है, सीमा है, ठीक है? किसी का नाम यहाँ से यू से शुरू होता है, सो ये नेम लेटर्स आपके पर्सनली आपके नाम के। बट आई फील है कि कोई यहाँ पे क्रिएटिव लाइन में बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाला है, ठीक है, अगर आपकी फील्ड है तो। सो दैट्स अबाउट इट, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक और चीज़ हो सकता है स्प्रिंग में आपको रीच आउट करें ये पर्सन। I'll see you again. Do not forget to like, subscribe and share it. Comment below. I'll see you again. Bye.